21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लगातार 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण लगने के दौरान कुछ जगहों पर तो दिन में ही शाम जैसे नजारा दिखने की बात कही जा रही है। 21 जून को लगने वाली सूर्य ग्रहण पर ज्योतिषियों के साथ वैज्ञानिकों की भी नजर रहेगी। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण पर क्या होगा प्रभाव, जानिए तिनसुकिया के बाबा कालिदास दहाल से। क्या महत्व है इस बार ग्रहण का? महत्व ये है, ग्रहण तो हर समय लगता ही रहता है, किंतु इस बार थोड़ा संकटजनक है। करोना महामारी जैसा विश्व में तबाह करके रखा हुआ है, इस करोना महामारी को का साथ साथ ही यहाँ ग्रहण भी आ गया। सूर्य ग्रहण आने के का कारण ये हो गया, देश में अशांति तो सब तरह सभी देश मात्र नहीं सारा दुनिया में अशांति और महामारी जैसा तो फैला रहा है, तो इसके लिए इस बार का थोड़ा दुखदायक है। इसीलिए पूजा पाठ, होम हमादि, गायत्री जप, सुंदरकांड का पाठ, वेद इत्यादि का पाठ पूजा करने से इसका असर कम होगा और शांति समृद्धि बना रहेगा। आप इस दौरान कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं क्या? हम इसके विषय में अनुष्ठान जरूर करेंगे, इसलिए करेंगे कि विश्व जगत में हर तरह से कष्ट महामारी कोरोना जैसे रोग जैसा महामारी ने तबाह करके रखा हुआ है, उसी बीच में ग्रहण भी आ गया सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण का भी राशि में बहुत दुखदायक है, इसी को लेकर के हम अनुष्ठान करेंगे। और हम मात्र नहीं, सभी का लिए हम अनुरोध करना चाहते हैं, सभी अपना निष्ठा से काम करें, पूजा करें, पाठ करें, गायत्री जप करें, अन्य अन्य कोई भी सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, दुर्गा चालीसा करें। कोई भी भगवान का ऊपर में इतना बड़ा संकट भारी आ रहा है, तो इस भारी संकट को दूर करने का लिए भी हम लोग को पूजा पाठ यज्ञ यज्ञादि करना जरूरी है। ये मात्र हमारा मात्र नहीं है कि साधु संन्यासी का मात्र, सभी जनता जनार्दन एकता होकर करेंगे तो इसीलिए इससे वो देश में सभी शांति सुरक्षा और भाईचारा एकता अखंडता सभी बना रहेगा। इस ग्रहण से राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? राशियों का ऊपर में अभी बहुत दुखदायक है, इसीलिए दुखदायक होने का कारण इसका लिए खंडन करने का लिए भी विधान है कि ये शास्त्र ने हर तरह का विधान दिया हुआ है, तो इसीलिए यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान करने से, जब ध्यान पूजा निष्ठा करने से इसका असर कुछ कम होगा, राशि में कुछ असर कम पड़ेगा।